मुंबई में गोरेगांव पूर्व में पांडुरंग वाड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति का कार्यालय है। इस कार्यालय का एक अलग ही इतिहास है। अनिकेत बिल्डिंग में ये जो जगह है वो थी बालकृष्ण दिनकर चितले की। सैकड़ों परिवार और हजारों कार्यकर्ताओं के बीच बाला भाई के नाम से वे जाने जाते थे। बाला भाई की शिक्षा मुंबई में हुई। कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद बाला भाई की नौकरी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में शुरू हुई। संघ कार्य के लिए अपार जनसंपर्क ये उनकी विशेषता थी। इस संपर्क के जरिए उन्होंने सैकड़ों परिवार और कार्यकर्ताओं को संघ कार्य से जोड़ दिया था। बाला भाई इस बात के आदर्श उदाहरण है कि संपर्क कैसे किया जाए। अपने सदा हसमुख और प्रसन्न स्वभाव के कारण वह सभी में लोकप्रिय थे। अपने खुद के पश्चात बाला भाई चाहते थे कि अपने मकान का उपयोग संघ कार्य के लिए, जन कल्याण समिति के कार्य के लिए हो। इसी इच्छा से 80 की उम्र में अपना मकान जन कल्याण समिति को देने की कानूनी प्रक्रिया उन्होंने पूरी कर दी। 3 साल बाद 14 जनवरी 2022 को बाला भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए। व्यावहारिक रूप से बाला भाई के मुंबई स्थित मकान का वर्तमान मूल्य 1.5 करोड़ तक है। बाला भाई की इच्छा के अनुसार उनके मकान में जनकल्याण समिति का कार्यालय शुरू किया गया है। इस मकान का उपयोग संघ सहित विभिन्न संगठना की बैठकों के लिए, कार्यक्रमों के लिए और कई सामाजिक कार्य के लिए किया जा रहा है। समाज की ऐसी उदारता के कारण जनकल्याण समिति के 1800 से अधिक सेवा कार्य निरंतर चल रहे हैं। उसी उदारता परंपरा का, निरपेक्ष भाव का और त्याग का बाला भाई ये एक प्रतीक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति, निरपेक्ष सेवा के 50 साल।